हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तो हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिया था, तो आज करेंगे सेकंड क्वेश्चन एंड आगे थर्ड के बाद जो भी क्वेश्चन है वो। क्वेश्चंस करने से पहले हम इसमें जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो लिख लेते हैं। जैसे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा, मतलब कि कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, या अपोजिट भी लिख सकते हैं, भी सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। तीन तो हमें ये याद रखने हैं। और आए थे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले रेशियो, तो वो क्या थे, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। कोस थीटा क्या था, साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा की क्या वैल्यू थी, कोट 90 माइनस थीटा, एंड कोट थीटा की वैल्यू थी 10 90 माइनस थीटा। सेक थीटा था कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। ये भी याद रखने हैं। अब हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो आइडेंटिटी की थी तीन, वो भी याद रखनी है। वो थी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से कोस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इस साइड चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अगर साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोस स्केयर इस साइड आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तीन फॉर्मूले हो गए। एक ये था 1 प्लस 10 स्केयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्केयर थीटा, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी हो तो सेक स्केयर थीटा माइनस 10 स्केयर थीटा, अगर 10 स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो सेक स्केयर थीटा माइनस 1। थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्केयर थीटा। अब यहाँ भी हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, कोट स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कोसेक स्केयर थीटा माइनस 1। ये अब हमने सारे लिख लिए। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब हमें जो भी है साइन कोस सेक को छोड़ के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए उनको सेक ए की फॉर्म में लिखना है। शुरू करते हैं साइन से, फॉर साइन ए, मतलब हमें साइन ए को सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो हमने अभी जो फॉर्मूले लिखे हैं उनमें से सभी में देख लेते हैं, अभी कहीं भी सेक और साइन का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें तो है ही नहीं। अब यहाँ देखेंगे तो हमें कहीं भी सेक और साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा। तो अब हम इसी, इसमें साइन है, इसमें कोस है, कोस क्या होता है, 1/sec होता है, मतलब हमें इसमें लग रहा है भी साइन ये सेटिस्फाई करवा सकता है। तो ये आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम, साइन स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर ए इज इक्वल टू 1। अब ये कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec, तो साइन स्केयर ए प्लस में 1/sec² a इज इक्वल टू 1। अब हमें तो साइन की वैल्यू चाहिए, तो जो ये है इसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा उस साइड जाके, साइन स्केयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/sec² a। अब इसका तो एलसीएम ले लेंगे, इस साइड वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे पहले, sec स्केयर ए नीचे एलसीएम आ गया, ये इस साइड मल्टीप्लाई होके sec स्केयर ए माइनस 1, मतलब साइन स्केयर ए की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, बट हमें स्केयर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ साइन में, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे रूट, साइन स्केयर ए इज इक्वल टू sec स्केयर ए माइनस 1 अपॉन में sec स्केयर ए, इसके ऊपर रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, ये स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू का तो ये तो रूट के अंदर ही आएगी, ये है ये इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए इज इक्वल टू
sec square a माइनस वन अंडर द रूट अपॉन में sec a, ये आ जाएगी साइन की, साइन a की वैल्यू sec a की फॉर्म में। अब हम cosec को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन होता है, मतलब cosec a की वैल्यू निकालनी हो तो cosec a इज इक्वल टू वन बाई साइन a होता है। अब साइन a की वैल्यू तो ये आई है, मतलब वन अपॉन में इस पूरी वैल्यू को रख देंगे, वन अपॉन में अंडर द रूट sec square a माइनस वन अपॉन में sec a। अब ये sec a ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cosec a की वैल्यू आ जाएगी sec a अपॉन में अंडर द रूट sec square a माइनस वन। साइन एंड कोसेक इन दोनों की वैल्यू आ गई, साइन ए एंड कोसेक ए को तो sec a की फॉर्म में लिख दिया। अब लिखते हैं cos a को, sec जो होता है वो cos का तो रेसिप्रोकल होता है, इसलिए cos a को क्या लिख देंगे, cos a इज इक्वल टू वन बाय sec a, cos भी हो गया। अब हमारा रह गया tan एंड cot, अब लिखेंगे tan a को sec a की फॉर्म में। तो ये यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इन फॉर्मूलों के अंदर कहीं tan और sec का डायरेक्ट रिलेशन है क्या, यहाँ नहीं है, इन तीनों में, इनमें भी नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, यहाँ भी हमें नहीं दिख रहा, वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू sec स्केयर थीटा, मतलब यहाँ tan भी है sec भी है, मतलब इसका यूज करके हम tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम tan की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको लिखते हैं क्या, वन प्लस टेन स्केयर ए इज इक्वल टू sec स्केयर ए। अब हमें tan की वैल्यू चाहिए तो इस वन को इस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, टेन स्केयर ए की वैल्यू आ जाएगी sec स्केयर ए माइनस वन। अब हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर लगा देंगे रूट, ये स्केयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, देन टेन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर द रूट sec स्केयर ए माइनस वन। ये tan a की वैल्यू आ गई। अब हमें cot की निकालनी हो तो cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से cot a की वैल्यू लिख देंगे, वन बाय tan a जो आ जाएगा वन अपॉन में अंडर द रूट sec स्केयर a माइनस वन। cot a की वैल्यू आ गई वन अपॉन अंडर द रूट sec स्केयर a माइनस वन। इन ए कोस ए के कोस ए टेन ए इन सबको sec a की फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि पांच नंबर का आ सकता है। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन देखे, नीचे चार वैल्यू दी हुई है, उनमें से हमें करेक्ट देखना है भी कौन सा है, और हमें उसके बाद जस्टिफाई करना है भी वो करेक्ट क्यों है हमारा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है नाइन sec square a माइनस टेन स्केयर नाइन टेन स्केयर a, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्या आ रही है, तो लिख लेते हैं नाइन sec square a माइनस नाइन टेन स्केयर a। अब हम यहाँ से नाइन को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, नाइन तो कॉमन आ गया sec square a माइनस टेन स्केयर a। अब हम इसके लिए देखेंगे भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब ये है वन प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू sec square थीटा होता है। अब इस यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, अभी sec square थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, और इसके अंदर क्या है sec square a माइनस टेन स्केयर a है, मतलब हम इसको वन लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नाइन इंटू वन, इसकी वैल्यू क्या आ गई नाइन, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अब हम इसको सिर्फ एक इसी तरीके से नहीं, और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये था नाइन, यहां से लिख रही हूं मैं sec square a माइनस टेन स्केयर a था, ये तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की थी। अब यहां से देखिए sec square थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्केयर थीटा, मतलब sec square a की जगह लिख देंगे नाइन इंटू वन प्लस टेन स्केयर a माइनस टेन स्केयर a है, ये टेन से टेन स्केयर a से टेन स्केयर a कैंसिल हो गया, अंदर क्या रह गया वन, फिर भी हमारी आएगी तो वही वैल्यू सेम नाइन इंटू वन नाइन।
यहाँ हमने sec a को sec square a को 1 प्लस tan square a लिखा था। अगर हम यहाँ से देखें tan square theta को क्या लिख सकते हैं, sec square theta minus 1, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करवा के भी निकालेंगे तो वही अंदर 1 ही आएगा। sec square से sec square कैंसिल होके 1 रहेगा, 9 into 1 उसका आंसर भी 9 आएगा। मतलब हम यहाँ तीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा, इस पूरे की मल्टीप्लाई करवाइए 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमें निकालनी इन चारों में से क्या आएगी। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है इसलिए इस पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। जब भी हमें दिखे tan थीटा sec थीटा cot थीटा एंड cosec थीटा, तो इन चारों की वैल्यू को हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू में सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस sec थीटा, मतलब इसको चेंज कर लेते हैं sin एंड cos में, 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, प्लस में sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा। जब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो 1 प्लस में cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, माइनस cosec क्या होता है, 1 अपॉन में sin थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, इस पूरे के का एलसीएम ले लेंगे cos थीटा, तो ये इस साइड मल्टीप्लाई होके आ गया 1 से cos थीटा, प्लस में sin थीटा का sin थीटा रहेगा, प्लस में 1 ही आएगा। इस साइड ले लिया sin थीटा को एलसीएम, तो ये यहाँ आ गया sin थीटा प्लस में cos थीटा माइनस में 1। अब एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, वो होती है a स्केयर माइनस बी स्केयर। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है, या cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, या 1 या 1, मतलब हमें a एंड b दिख रहा है और प्लस एंड माइनस भी है। मतलब इस cos थीटा प्लस sin थीटा, इस पूरे को हमने मान लिया a और ये 1 हो गया b, तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, मतलब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह लिख दिया cos थीटा प्लस में sin थीटा, ये a की वैल्यू है, इस पूरे का स्केयर करवा दिया माइनस b का स्केयर, b यहाँ 1 है तो 1 का स्केयर, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी a प्लस में b है, उसका होल स्केयर है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस में 2ab, इसी तरीके से इसको लिख देंगे। तो cos की जगह cos थीटा का क्या हो जाएगा, cos स्केयर थीटा प्लस में sin स्केयर थीटा प्लस में 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस में क्या था, ये इसका स्केयर करवाएंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन में आ जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा। अब हम याद करते हैं फॉर्मूले, तो cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है, तो यहाँ पुट करवा देते हैं, cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा की वैल्यू 1 आ गई, प्लस में इसको लिख दिया 2 इंटू sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस का 1 अपॉन में cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ से हम इन चारों ऑप्शन को देखेंगे, या वैल्यू 0, 1, 2, मतलब इसकी वैल्यू 2 आई है, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा सी, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, sec a प्लस में tan a इंटू 1 माइनस sin a, तो sec a एंड tan a को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे cos एंड sin की वैल्यू में, यह sin है ही, sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos a, प्लस में tan को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन में cos a, मल्टीप्लाई में क्या है, 1 माइनस साइन ए है। अब इन दोनों का एलसीएम कोस ए आ गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए
अपॉन में कोस ए है, इंटू में वन माइनस साइन ए, यहाँ वो प्रॉपर्टी लग जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है। तो यहाँ ए है वन, बी है साइन ए, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी वन का स्केयर माइनस साइन स्केयर ए अपॉन में कोस ए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन का स्केयर क्या आता है, वन ही आएगा, वन माइनस साइन स्केयर ए अपॉन में कोस ए। अब हमने इसको देख के लग रहा है भी यहाँ कोई एडेड, ऊपर वाले को देख के लगेगा भी यहाँ कोई फॉर्मूला लगेगा, तो हमने फॉर्मूले देखे थे कोस स्केयर ए प्लस में साइन स्केयर ए, इसकी वैल्यू होती है वन। अब यहां से इस साइन को उठा के इस साइड ले जाएं, माइनस करवाएं तो क्या आ जाएगा, कोस स्केयर ए इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर आ जाएगा, मतलब वन माइनस साइन स्केयर ए की वैल्यू कोस स्केयर आ रही है, तो यहाँ वन माइनस साइन स्केयर ए की जगह लिख देंगे कोस स्केयर ए अपॉन में क्या है, कोस ए है, तो इसकी टू पावर से इसकी वन पावर कैंसिल आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा कोस ए। अब ये चार ऑप्शन है, इनमें देखेंगे तो कोस ए है, डी ऑप्शन मतलब फोर्थ के थर्ड पार्ट का डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वन प्लस टेन स्केयर ए अपन में वन प्लस कोट स्केयर ए, इनकी वैल्यू निकाल के इन चारों में से देखनी है किसके इक्वल आ रही है। तो वन प्लस टेन स्केयर ए ये किसके इक्वल होता है, सेक स्केयर ए के इक्वल अपन में, वन प्लस कोट स्केयर ए किसके इक्वल होता है, कोसेक स्केयर ए। अब हम ऑप्शन देखें तो ये वैल्यू तो कहीं इन चारों में है ही नहीं, मतलब हमें इसको और सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा। सेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कोस, मतलब सेक स्केयर ए की वैल्यू लिख दी हमने, वहां से सोल्व करें इसको, वन बाय कोस स्केयर ए, एंड कोसेक की वैल्यू हमने क्या लिख दी, वन अपॉन में साइन स्केयर ए। अब हमने देखा हुआ है अभी ए बाय बी अपॉन में सी बाय डी होता है, तो उसको क्या लिखते हैं, ए बाय बी इंटू में ये डी ऊपर चला जाता है, डी बाय सी रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब तो यहां भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाय कोस स्केयर ए इंटू में साइन स्केयर ए अपॉन में वन, ये क्या आ गया, साइन स्केयर ए अपॉन में कोस स्केयर आ गया। साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन, इसका स्केयर है, तो मतलब टेन स्केयर ए इसकी वैल्यू आ जाएगी। चार ऑप्शंस में टेन स्केयर ए डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टेन स्केयर ए।